आज हम बात करेंगे टीवी के उन स्टार्स की जो अपनी शादीशुदा जिंदगी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते सुर्खियों में रहे। तो आइए जानते हैं कि कौन है वो स्टार्स। दीपिका कक्कड़। इस कड़ी में सबसे पहले बात करेंगे टीवी के मोस्ट पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 12 की विजेता रही दीपिका कक्कड़ की। दीपिका को छोटे पर्दे पर बड़ी पहचान मिली सीरियल ससुराल सिमर का से, लेकिन बहुत कम लोगों को पता था कि दीपिका इस सीरियल में आने से पहले शादीशुदा थीं। ऐसे में शो में उनके ऑपोजिट शोएब इब्राहिम से उन्हें प्यार हो गया। इसके बाद कहा जाता है कि इसी वजह से दीपिका के उनके हस्बैंड के साथ रिश्ते तल्खी में पड़ गए और फाइनली दोनों का तलाक हुआ और अब शोएब संग निकाह कर चुकी हैं दीपिका। वरुण सोबती। वरुण टीवी के जाने माने एक्टर हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत सीरियल श्रद्धा से की थी और फिर इसके बाद उन्हें टीवी शो दिल मिल गए में भी देखा गया, लेकिन उन्हें असल पहचान सीरियल इस प्यार को क्या नाम दूं ने दिलाई। बता दें कि सीरियल में उनकी को स्टार थी सनाया ईरानी। खबरों की माने तो वरुण शादीशुदा होते हुए भी सनाया को दिल दे बैठे थे, लेकिन वरुण ने इस रिश्ते से अपने पैर पीछे खींच लिए। करण बोरा। करण को मशहूर सीरियल जिंदगी की महक में शौर्य खन्ना के किरदार में लोग जानते हैं। इस दौरान करण और उनकी कोस्टार समीक्षा जायसवाल के अफेयर की चर्चा खूब सुर्खियों में रही। करण भी शो में आने से पहले शादीशुदा थे। करण और समीक्षा की लव स्टोरी इतनी गहरा गई थी कि एक्टर की पत्नी ने सेट पर जाकर समीक्षा को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। करण सिंह ग्रोवर। आखिर में बात करेंगे टीवी और बॉलीवुड एक्टर करण सिंह ग्रोवर की, जो शादीशुदा होने के बाद भी अपना दिल न संभाल सके और ऐसा उनके साथ एक बार नहीं बल्कि दो दो बार हुआ। आपको बता दें कि साल 2010 में करण ने मशहूर टीवी सीरियल दिल मिल गए से छोटे पर्दे पर स्टारडम हासिल किया था, लेकिन इस सीरियल के दौरान करण अपनी को एक्टर जेनिफर को दिल दे बैठे। गौरतलब है कि करण इस सीरियल से पहले ही एक्ट्रेस श्रद्धा निगम से शादी कर चुके थे, लेकिन शो से पहले ही वो तलाकशुदा जिंदगी जी रहे थे। ऐसे में करण ने साल 2012 में अपनी जिंदगी में जेनिफर को बतौर पत्नी शामिल किया, लेकिन इस रिश्ते ने भी दो साल में दम तोड़ दिया और फिर इसके बाद साल 2016 में करण की जिंदगी में आई बॉलीवुड स्टार विपाशा बासु, जिनके साथ वो शादी करके अब अपना घर बसा चुके हैं।